केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की गाड़ी का एक बार फिर से चलान कट गया है और इस बार वजह है ओवर स्पीडिंग। आपको बता दें कि LJPR के अध्यक्ष चिराग पासवान की गाड़ी का 2000 रुपए का चलान काटा गया है। ये चलान हाल ही में बिहार के हाईवे पर लगाए गए ई डिटेक्शन सिस्टम की वजह से हुआ है, जो अब गाड़ियों की स्पीड और उनके डॉक्यूमेंट्स पर पैनी नजर रखता है। हाई रेजोल्यूशन CCTV कैमरे लगाए हैं। ये कैमरे गाड़ियों की नंबर प्लेट की तस्वीरें खींचते हैं और अगर कोई गाड़ी स्पीड लिमिट का उल्लंघन करती है या उसके डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी पाई जाती है तो ऑटोमेटिकली चलान कट जाता है। यही वजह है कि 17 अगस्त को हाजीपुर के चंपारण जाते वक्त चिराग पासवान की गाड़ी इस सिस्टम की नजर में आ गई और ओवर स्पीडिंग के चलते उनका चलान कट गया। इस नई प्रणाली के तहत चालान कटते ही गाड़ी मालिक के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज आ जाता है, जिसमें चालान की जानकारी दी जाती है। RTO के अनुसार ये सिस्टम पूरी तरह से स्वचालित है और नियमों का उल्लंघन करने पर किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो आम नागरिक हो या फिर VIP। इस मामले में चिराग पासवान ने भी साफ किया कि जुर्माना भर दिया जाएगा। ई डिटेक्शन सिस्टम की इस नई व्यवस्था ने पिछले 20 दिनों में 12,000 से ज्यादा गाड़ियों के चलान काटे हैं, जिनमें कई VIP गाड़ियां भी शामिल हैं। इस तकनीक के जरिए राज्य के 32 टोल प्लाजा को जोड़ दिया गया है, जिसमें नियमों के उल्लंघन करने वालों पर सख्त निगरानी रखी जा सके। चिराग पासवान, जो केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री भी हैं, हाल ही में उन्होंने लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी LJPR के 5 सीटों पर जीत दर्ज करवाई थी। हाजीपुर से खुद चिराग पासवान, जमुई से उनके बहनोई अरुण भारती, खगड़िया से राजेश वर्मा, वैशाली से वीणा देवी और समस्तीपुर से शांभवी चौधरी ने जीत दर्ज की थी। इन चुनावों में पार्टी की बड़ी सफलता के बाद चिराग पासवान को केंद्र में मंत्री पद से नवाजा गया था। इस घटना के बाद एक बार फिर से ये साबित हो गया है कि कानून के आगे कोई भी, चाहे वो कितना भी बड़ा नेता क्यों ना हो, नहीं बच सकता। ऐसे में चिराग पासवान का चालान कटना भी चर्चा का विषय बन गया है और ये देखना दिलचस्प होगा कि इस नई प्रणाली से आगे कितने और VIP इसकी चपेट में आते हैं। NBG ऑनलाइन की रिपोर्ट।